खबर यूपी से है। उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 10 सीटें खाली हैं लेकिन 9 पर उपचुनाव हो रहा है। अब यूपी में इस बात पर सियासी महाभारत छिड़ी है कि जिस एक सीट पर चुनाव नहीं हो रहा उसे रोक कौन रहा है। रिपोर्ट देखिए। जहां तक सपा और कांग्रेस का सवाल है, ये लोग हताशा में और उसी निराशा का परिणाम है कि जिस प्रकार से मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव ना हो इसके लिए ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पूरा प्रयास इनका। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के कैमरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। अब उनके बयान के पीछे की पूरी कहानी समझिए। मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान आयोग ने नहीं किया है क्योंकि मिल्कीपुर में साल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। मिल्कीपुर से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद की फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। आखिर साल 2022 में मिल्कीपुर में क्या हुआ जिसको लेकर मामला हाईकोर्ट में जा पहुंचा? इसके लिए मिल्कीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ को सुनिए, जिन्होंने साल 2022 का चुनाव हारने के बाद ये याचिका दायर की थी। देखिए 2022 में जब मुझे पता चला कि माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज एफिडेविट लगाए थे, जो जिसपे उन्होंने नोटरी कराई थी, वो नोटरी करता 10 वर्ष पूर्व उनका लाइसेंस समाप्त था, उसको लेकर मैंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उस याचिका पे सुनवाई चल रही थी, इसी बीच में वो सांसद बनते हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसको स्वाधीन लिया गया। दो दिन पहले चुनाव आयोग ने 10 सीटों के लिए डेट डिक्लेयर किया, उसमें मिल्कीपुर नहीं था तो हम लोग चौंके। 15 मिनट बाद पता चला कि जो आपने याचिका कर रखी थी उसी की वजह से रुका। हम लोग रातों रात लखनऊ भाग के आए, कागज तैयार हुआ, कल मैंने याचिका वापसी के लिए मैंने आवेदन दे दिया, आज उस पर डेट मिल गई थी, आज याचिका वापस हो जाती। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा एक दर्जन वकील समाजवादी द्वारा अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका आप ऐसे वापस नहीं ले सकते। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने की वजह से यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। यूपी में 13 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। यूपी के उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और सीट शेयरिंग फार्मूला भी तय हो चुका है। बीजेपी ने मीरापुर सीट सहयोगी आरएलडी को दी है, बाकी सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। बीजेपी ने उपचुनावों की तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर दी थी। बीजेपी ने उपचुनावों की 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को भी लगाया है।